जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धा में रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए, इनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए, इनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे लिए भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनु विद्या सीख ली थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। ये शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सब स्थित है और माँ जो कि शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए, तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं इनको मुझे संभालना है और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रह जाए। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस, ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर बिछो भी हो गया और किसी तरह से उसे दूर भी हट गए तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज है, उस परम चीज पे अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में शक्ति में जो पाया है उसे हर स्त्री को प्राप्त कर